हेलो फ्रेंड, गैरेज में आया एक डिस्कवर 125 एसटी। तो ये बाइक में अभी चालू नहीं हो रहा है, गैरेज में आया तो चालू नहीं हो रहा है। भाई साहब ने बोल रहा है मेरा नर्म पर वो तत्कोच के लिए चालू कर दो। तो ये गाड़ी चालू होने का कुछ नाम ही नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो पिस्टन है पूरा सीज हो गया है। कैसा हमको पता चला, इसका किक सही से बैठ नहीं रहा है। तो हम इसका सारे पार्ट अभी खोलेंगे। अभी हमने टाँकी खोल दिया, इसका हेड खोलेंगे। हेड खोलने के बाद में क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे वीडियो में लास्ट तक। ये देखिए, अभी हमने इसका टब कवर खोल दिया है। ये बिल्कुल एक बूंद भी ऑयल नहीं रहेगा इसमें क्योंकि देखिए पूरा सूखा पड़ा है। पूरा क्लच प्लेट का जो हिस्सा है, टाइमिंग चेन का पेट का हिस्सा है, पूरा घिस गया है रहेगा मेरे को लग रहा है ऐसा। अब इसका ऑयल निकालेंगे और क्लच प्लेट भी खोलेंगे, हेड भी खोलेंगे और ब्लॉक खोलेंगे। प्लग भी देखिए पूरा ख़त्म है, प्लग पूरा ख़त्म है प्लग। स्पोक बड़ा है ना, काम करने का टाइम है। वीडियो शूट करने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टॉप होता है बहुत, फिर भी शूटिंग करेंगे किसी हालत में। देखिए इसका कैम सब ड्रॉवर का हालत देख लीजिए। इसका एक तो बेरिंग पूरा जाम है और एक बेरिंग भी पूरा ख़राब है उसका। अरे देखिए पेड़ भी पूरा टूटा हुआ है, पेड़ एक साइड का पूरा टूटा हुआ है। इसका ब्लॉक खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे वहाँ पे, आसानी से खुल जाएगा। अब ये ब्लॉक खुल गया है। अरे भाई ये देखिए ऐसा हो गया, देखिए ब्लॉक में कितना मार्किंग हो गया। ये सब सिर्फ भाई ऑयल का कारण है। कस्टमर भाई लोग गाड़ी चलाता है, गाड़ी में बिल्कुल ऑयल डालता भी नहीं, ऐसे चलाता है। देखिए पिस्टन पूरा सीज है, पूरा जाम है पूरा उसका पिन। टाइम टू टाइम ऑयल डालना ज़रूरी है भाई, गाड़ी चलाते हो तो उसका ऑयल डालना ज़रूरी है। जो क्लच खोलेंगे उसका ऑयल फिल्टर भी खोलेंगे हम बाहर। और देखिए ऑयल मैंने देखा, आपको बोला था ना इसमें ऑयल नहीं रहेगा बिल्कुल, देखिए ऑयल है ही नहीं कुछ भी। कितने का आएगा वो? ऑयल फिल्टर तो पूरा बकवास हो गया था, पूरा टूट गया था ऑयल फिल्टर। देखिए सर जो पेड़ है एक दोनों का दोनों पेड़ टूट के नीचे आ गया है। एक साइड का पेड़ है, दूसरा साइड का पेड़ भी पूरा टूटा हुआ है, टूट के नीचे आ गया है। इसका कोई क्लच प्लेट डाला रहेगा पहला, उसको अच्छा नहीं आता, थोड़े से ठोक ठोक के उसका नट का हालत बुरी हालत कर दिया पूरा। बोर कितना है देख लीजिए, अंदर क्लच का अंदर कितना डस्ट है, सब इसका हब अच्छा है, सब जितना इसका डस्ट है सब क्लच प्लेट का और पेट का है। सेंटर भी चल जाएगा, हब भी चल जाएगा उसका। ये देखिए इसका पेड पूरा ख़राब है। अभी इसका पेड, टाइमिंग चेन, कैमशाफ्ट, रॉकर, ये ब्लॉक का बोरिंग करेंगे। अभी ये जो उसका पिस्टन का पिन है जहाँ पे बैठता है, ये पूरा जाम था, उसको मैंने गरम करके खोला था तो उसको रेथी का मदद से पूरा फ्री कर दिया। अब इसको लुब्रिकेट करके नया लगाएंगे। अभी टाइमिंग चेन मैंने फिटिंग कर दिया, नया पेड भी नया फिटिंग कर दिया, ओरिजिनल सब हर चीज़ इसमें ओरिजिनल डालने वाला हूँ मैं हर चीज़। ये पिस्टन है उसका, जो पिस्टन डॉट सा निशाना है ये साइलेंसर बाजू रहता है।
इसका पैकिंग फिटिंग कर दिया, डबल भी जाम था इसमें, डबल पिन भी मैंने नया लगाया इसका। पहला हेड ब्लॉक लगा देंगे, उसके बाद क्लच फिटिंग करेंगे। कई बार क्या होता है इसका टाइमिंग चेन गिर जाता है, फिर से टाइम क्लच कवर खोलना पड़ता है। ये रॉकर देख लीजिए कितना, 403 रुपये कीमत है रॉकर, ओरिजिनल है। ये भी रॉकर है 403 रुपये का। ये उसका पार्ट नंबर है देख लीजिए, इसका कैमशाफ्ट भी ओरिजिनल है। बहुत जगह में ढूंढने के बाद में शोरूम में मिला। ये उसका टेप सील है, ये भी ओरिजिनल है, 70 रुपये कीमत है दो एक एक का। उसका वाल है और दोनों प्लग का थ्रेडिंग ख़राब हो गया था, मैंने नया लगाया उसका थ्रेडिंग, चूड़ी नया लगाया। अब इसमें कैमशाफ्ट फिटिंग करेंगे, कैमशाफ्ट फिटिंग करने के बाद में इसका ऊपर एक लॉक होता है, लॉक लगाएंगे। अभी अच्छे तरह से लॉक फिट हो गया देख लीजिए। अभी रॉकर फिटिंग करेंगे, रॉकर भी अच्छे तरह से फिट हो गया। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे, बहुत जानकारी मिलेगा आपको। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसका टाइमिंग है, ये जो टॉप का निशाना दिख रहा है मैग्नेट में निशाना है, लाइन सा निशाना टॉप का देखिए, ये उसका टाइमिंग है। अभी हेड भी अच्छा तरह से फिट हो गया। अभी ये टाइमिंग है देख लीजिए, इसका नट लगाएंगे 6 नंबर का एलिंकी नट। पर भी मैंने टाइट कर लिया अच्छे से, साइड प्ले रखने का, खड़ा प्ले बिल्कुल नहीं रखने का, नहीं तो टेपेट का बहुत आवाज़ मारेगा। दोनों टेपेट टाइट हो गया। एक बात है, ये गाड़ी में कार्बोरेटर खोलना और फिटिंग करना बहुत तकलीफ होता है। डिस्कवर एम, डिस्कवर 150, डिस्कवर 125 ST, ये सब बाइक में जितना कार्बोरेटर खोलना फिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्लग है दोनों, बॉस कंपनी का ओरिजिनल प्लग है, इसमें दोनों प्लग टूट गया था, ख़राब था, तो प्लग भी दोनों बाजू नया डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लग कभी भी ओरिजिनल डालें, NGK चैंपियन बॉस का, बिल्कुल डुप्लीकेट ना डालें, नहीं तो गाड़ी झटका मारेगा, सही से एवरेज नहीं देगा। अभी प्लग भी अच्छे तरह से टाइट हो गया, ये बाजू का थ्रेडिंग गया था, ये मैंने नया लगाया है। क्लच प्लेट नहीं लगाएंगे, पहला ऑयल पंप का जो गिरारी खुला था, ऑयल पंप मैंने उसको साफ कर दिया है, खोल के पैकिंग डाला उसको। अभी ऑयल पंप का गिरारी अच्छे तरह से फिट हो गया देखिए। अभी हाउजिंग लगाएंगे, हाउजिंग का पीछे एक पतला सा वाशर होता है, ये पहला लगा देने का, उसके बाद में इसका बोस लगाने का और हाउजिंग लगा देने का। इसका ऊपर हाउजिंग का ऊपर एक मोटा सा वाशर होता है। अभी क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट मैंने फिटिंग कर दिया अच्छा तरह से। अभी सारे चीज़ फिटिंग हो गया। अभी इसमें पेट्रोल नहीं था टाँकी में, इसमें हमने सलाइन लगा दिया है, अभी गाड़ी चालू है। पूरा स्मूथ, पूरा बिल्कुल कुछ कहीं से व्यवहार, पूरा स्मूथ। कहीं से कुछ भी आवाज़ नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब होने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो में लाते रहेगा, आपको दिखने का मौका मिल जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा।
पिछले महीने का चाहिए, महीने का चाहिए क्या? अभी मैं तुम्हारा 1 तारीख का महीना, आज कितना तारीख है भाई? प्रश्न हो गया, एडवांस में तुम्हारा डिपॉजिट है वो ना।